Hi guys, hello everyone. A warm good evening to one and all from Amul. Myself Pooja and I am from Nagpur. Nagpur mein hum logon ke classes chalte hai. Usi ke saath I am a cake artist and a YouTuber. With my home venture name as a Bake My Day Cooking Studio. So first of all, तो मैं अमूल को thank you बोलूँगी because he is providing the this biggest live platform कि जहाँ पे हम लोग हमारा talent दिखा सके, नई नई recipe बना सके और आप लोगों तक पहुँचा सके. So let's wait for a few minutes so that all other people join. And today आज हम लोग बनाने वाले हैं मलाई cake. बहुत ही नॉर्मल इंग्रेडिएंट से ये केक बनता है. मतलब ऐसा नहीं है कि ये केक बनाने के लिए आप एक केक आर्टिस्ट या फिर आज होम मेकर या फिर होम शेफ ही हो. इट्स नॉट अ कंपलसरी कि आपको पूरी केक की आइडिया हो, ऐसे भी जरूरी नहीं. आप सिंपल घर पे ये जो रेसिपी हमारी बनेगी ये एकदम सिंपल हमारे घर पे अवेलेबल इंग्रेडिएंट के साथ बनने वाली रेसिपी है और बनाना भी बड़ा आसान है. इंग्रेडिएंट्स हमारे किचन में आपको आराम से इजीली मिल जाएंगे. ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीजें लगने वाली है और बाहर से खरीद जाएगी, ऐसा भी कुछ नहीं है. Hi everyone, those are late joining. So let's start. So little introduction about the मलाई cake. ये थोड़ा सा हम लोग ये जो taste रहेगी normal cake जैसे ही रहेगी. Full of इसमें आपको ऐसा मावे जैसा भी feeling आएगा. ऑब्वियसली इसका नाम मलाई केक है तो वो मलाई वाला जो टेक्सचर रहेगा, वो पूरा फीलिंग रहेगा टेस्ट का, वो कंप्लीट इसमें आएगा. और सेकंड इम्पोर्टेंट कि ये केक मॉइस्ट बनेगा. आप बना के जब भी आपके घर पे कोई गेस्ट आ रहा है या फिर आपकी किटी पार्टी है, आपके घर पे बच्चों के आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, आप आधा मेजरमेंट करके बना के रख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ. जैसे यहाँ पे मैंने ये केक बेक करके रखा है, दूसरा मैं आपको दिखाऊंगी. तो इतने अरेंजमेंट ना आप करके रख सकते हो उसके लिए. तो ये अरेंजमेंट अगर बन के रहेगी, हमारा केक जो बेस है वो अगर बन के रहेगा, तो बाकी के प्रोसीजर आप टाइम पे भी कर सकते हो. ये केक आराम से एट अ रूम टेम्परेचर 3 to 4 days चलेगा. 3 से 4 दिन आराम से ये केक बिना फ्रीज के आप रूम टेम्परेचर पे रहेगा. फ्रीज में अगर आपको रखना है तो इस केक का जो लाइफ शेल है वो 1 week तक चलेगा. 1 week तक आप ये केक एंजॉय कर सकते हो. तो ये अगर आप इतना बना के रख रहे हो तो बाकी का आप टाइम पे भी वहां पे बना सकते हो. ठीक है, नाउ सो लेट्स स्टार्ट अवर मलाई केक रेसिपी. ठीक है, बिफोर दैट सबसे पहले यहाँ पे मुझे लगने वाला है एक मलाई केक के लिए जो स्पेशल मलाई वाला दूध लगेगा वो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे. क्योंकि आपको भी पता है अगर आपने कभी केक बनाए होंगे तो जो कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए होती है उसमें हम दूध या फिर पानी का इस्तेमाल करते हैं. तो ये जो दूध बनेगा ये थोड़ा अलग बनेगा, नॉर्मल हमारे दूध हम लोग इसमें यूज नहीं करेंगे. दैट्स व्हाई द केक नेम इज मलाई केक. तो यहाँ पे मैंने 3 कप दूध लिया है. आप कोई भी मेजरिंग कप अगर है तो जैसे ये मेरे रेड कलर के है, दिस मेजरिंग कप 200 ml के ये मेजरिंग कप होते हैं. मेजरिंग कप जब हम लोग बोलते हैं तो इसमें 2 टाइप्स आते हैं. एक 200 ml के, मतलब एक बड़ा वाला जो कप है ये वाला, ये 200 ml का होता है, यहाँ पे लिख के होता है 200 ml. और एक ब्लैक कलर में आता है या फिर कलरफुल में आता है जो कि 240 ml के होते हैं. आप कोई भी यूज कर सकते हो और ऐसा नहीं कि आपको इस कप की ही जरूरत है, मगर बेकिंग एक एप्रोप्रिएट तरीके से होती है. तो अगर आपके घर पे कटोरी है नॉर्मल, आप कोई भी एक कटोरी से ही सारे मेजरमेंट लेना है. बस इतना आपको ध्यान में रखना है कि अलग अलग कटोरी से मेजरमेंट ना लो, आप सारे मेजरमेंट एक ही
तरीके से लीजिए, एक ही कटोरी से लीजिए। तो जरूरी नहीं कि ये ऐसे मेजरिंग कप ही आपके पास हो। तो ये नॉर्मल दूध है जो मेरे घर पे भैया देके गए, नॉर्मल। आप डेयरी का भी यूज कर सकते हैं, गाय का, भैंस का, कोई ये नहीं है। टोन दूध मिल्क ले सकते हैं, पॉकेट का ले सकते हैं, सो नो क्वेश्चन अबाउट दैट। तो ये जो दूध लिया है मैंने, ये 3 कप लिया है। कटोरी से भी लोगे तो 3 बार मेजर करना है। इसे मैं साइड में कर देती हूँ। नाउ इसमें मैं डालूंगी मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर मैं डालूंगी 1/4, मतलब इस कप से थोड़ा सा, सबसे छोटा वाला, ठीक है, एक पाव जो हिस्सा होता है। अगर आप कटोरी से ले रहे हो तो एक कटोरी, ठीक है, उसकी आधी, और आधे से भी आधा। या फिर अगर आप बड़े चम्मच से पकड़ रहे हो, जो चम्मच से हम लोग पोहा खाते हैं, उस चम्मच से 2 चम्मच आपको क्या करना है, मिल्क पाउडर डालना है। अगर प्रॉपर मेजरमेंट से अगर बोलूं तो 1/4 कप, आधे कप से भी आधा, ठीक है। नाउ इसी में, इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ पहले, इसी में डालूंगी मैं अमूल का कंडेंस मिल्क, दैट इज 1/4 कप, वो भी मैं उतना ही लूंगी। अगर मैं चम्मच से बोलूं तो बड़े चम्मच से, किस चम्मच से हम लोग पोहा खाते हो, भर के 2 चम्मच आप पकड़ के चलिए, ठीक है। कंडेंस मिल्क अगर आप प्रीफर नहीं कर रहे हो तो उसकी जगह पे चीनी डाल दीजिए, मगर कंडेंस मिल्क से उसका टेस्ट और केक का टेक्सचर दोनों बहुत अच्छे हो जाएंगे। यस, यहाँ पे फिलहाल मैंने सिर्फ दूध लिया है आइटम्स में, बाकी के मैं इंग्रेडिएंट्स आपको दिखाती हूँ। दूध लिया है, मिल्क पाउडर लिया है और कंडेंस मिल्क लिया है, ठीक है। होप दीपक जी आपको क्लियर हो गया। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या क्या डाल दिया है, 3 कप 3 कटोरी, नॉर्मल कोई भी कटोरी से 3 बार दूध, 1/4 या फिर चम्मच से, बड़े चम्मच से 2 चम्मच कंडेंस मिल्क, और बड़े 2 चम्मच से ही आपको क्या करना है, मिल्क पाउडर लेना है। यहाँ तक क्लियर? चलिए अभी हमें क्या करना है, इसको अच्छे से बॉईल करना है और थोड़ा सा गाढ़ा होने तक वेट करना है। मतलब ये 3 कप नियरली आपको 2 कप तक उसको क्या करना है, डिजॉल्व करना है। आपको क्या करना है, उसे डिजॉल्व करना है। तब तक मैं क्वेश्चन देख लेती हूँ पेनी। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ये मलाई केक के लिए हम लोग नॉर्मल दूध नहीं ले रहे, इसमें हमारा ये दूध थोड़ा सा बनने वाला है, ठीक है। तो ये दूध में कंडेंस मिल्क, उसके बाद मिल्क पाउडर, और यहाँ पे मैंने दूध लिया, मतलब अमूल च 2-3 प्रोडक्ट आणूंगे। चलिए तो तब तक हम लोग क्या करते हैं, इसे तब तक बॉइल होने देते अच्छे से। फुल गैस पे मैंने रखा है, आप मीडियम फ्लेम पे ही कीजिएगा। तब तक हम लोग हमारा बैटर बना लेंगे। होप आई एम ऑडिबल टू एवरीवन, वॉइस क्लियर है, वॉइस एंड वीडियो बोथ आर क्लियर, काइंडली कमेंट। ओके, थैंक यू। इसे चलाते रहिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू प्रीति जी फॉर कमेंटिंग। एक्चुअली इन नागपुर एटमोस्फियर इज नॉट गुड, ठीक है। चलिए ये जब तक हमारा गाढ़ा हो जाता है, हम लोग हमारे केक के पैटर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने कर्ड लिया है, ठीक है,
खट्टा दही, मीठा दही ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल जो हमारा कड़ी वाला दही है वो यहाँ पे मैंने यूज किया है। एक्चुअली ये मेरा होममेड का भी आप अप्लाई कर सकते हो, घर पे बनाया हुआ या फिर अमूल का, इट्स द बेस्ट। ये नॉर्मल कुकिंग ऑयल है जिसमें हमारे घर पे खाना बनता है। अभी मेरे घर पे हम लोग सोयाबीन ऑयल खाते हैं, आपके घर पे अगर सोया सनफ्लावर ऑयल, राइस ब्रैन ऑयल चलता है तो आप वो डाल दीजिए। कोई भी किचन ऑयल चलेगा, सिर्फ ऑर्डरलेस चाहिए, बहुत ज्यादा स्मेल आने वाला ऑयल आपको नहीं लेना है, ठीक है। नेक्स्ट, ये मेरी चीनी है, पाउडर शुगर यहाँ पे मैंने ली है। नॉर्मल चीनी को मिक्सर में मैंने ग्राइंड कर लिया है और ये बना लिया है, ओके। और ये नॉर्मल हमारा मैदा, रिफाइंड फ्लावर या फिर ऑल पर्पज फ्लावर जिसे बोला जाता है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और इलायची पाउडर, दैट्स इट। धीरे धीरे जो एजेस है उसे भी हम लोग स्क्रैप करते जाएंगे और इसके अंदर मिक्स करेंगे। हाय नीतू जी, टुडे वी आर मेकिंग मलाई केक, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। दूध बन रहा है तब तक बैटर बना लेते हैं। यहाँ पे मैं ऑयल डाल देती हूँ 1/3 कप, एक तिहाई हिस्सा, कोई भी अगर आप कटोरी ले रहे हो तो उस कटोरी से 1/3 कप। इसी में मैं डालूंगी हमारी पाउडर शुगर, पाउडर चीनी का यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ये लूंगी मैं 1/2 कप, आधा कटोरी, ठीक है। बाकी की मैं तब तक साइड साइड में कर देती हूँ। 1/2 कटोरी और चीनी और ऑयल को हम लोग अच्छे से करेंगे मिक्स, है ना। नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल है हमारे किचन में, आपको इजीली मिल जाएंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये केक एज अ डेजर्ट, कभी भी अगर कुछ मीठा आपको किसी को खिलाना है, गेस्ट आते हैं, हम लोग एक हाथ मीठा बनाते ही है, आप उसमें जरूर बनाइए, सबको बहुत पसंद आएगा, ठीक है। इस तरीके से देखिए, ऑयल 1/3 कप, 1/2 कप मैंने इसमें चीनी डाली, देन इसमें मैं डालूंगी 1/3 कप ही, जितना मैंने ऑयल डाला है उतना ही मैंने कर्ड डाल दिया है, दही इसमें मैंने ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से हम लोग मिक्स करेंगे इस तरीके से। सो अभी ऑयल, चीनी और जो कर्ड है वो काफी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तब तक साइड बाय साइड इसे के तरफ भी ध्यान देना है। 3 कप को हमें अच्छे से 2 कप तक इसे लाना है, ठीक है। थैंक यू, मस्ट ट्राई इफ यू हैवंट ट्राई दिस एट। ये देखिए, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं घी, कर्ड दैट इज दही, शुगर और ऑयल काफी अच्छे से मिक्स हो चुका है। नाउ अब हम लोग इसमें डालेंगे मैदा, रिफाइंड फ्लावर दैट इज ऑल पर्पज फ्लावर, 1 कप, 1 कटोरी, ठीक है। 1 चम्मच इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाइव होने के बाद रेसिपी शेयर कर दूंगी, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स के साथ। 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा, ठीक है, पिंच ऑफ नमक, नमक से हमारा क्या हो जाएगा, टेस्ट आएगा, ठीक है। और डोंट फॉरगेट टू ऐड इलायची पाउडर, यहाँ पे थोड़ा सा और दूध में थोड़ा सा, इससे टेस्ट में काफी फर्क आता है। देखिए, सारे इंग्रेडिएंट्स जो मैंने यूज किए हैं आजकल घर पे अवेलेबल होते ही होते हैं, ठीक है। बस अभी हमें क्या करना है, इसे मिक्स करना है। वेट, आपको लाइव दिख रहा है या ना आवाज का बोलो। जस्ट वेट गाइस, थोड़ा सा पावर कट हो चुका है, एज आई टोल्ड यू कि एटमोस्फियर यहाँ पे थोड़ा सा रेनिंग कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। टॉर्च लगाओ, पर्दे खुला पटको, ठीक है। अभी फिलहाल जो आपको बैटर दिख रहा है तो ये बैटर हमारा इस तरीके से आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा।
ओके ठीक है गाइस, जस्ट कमेंट मी इज नाउ रिज्यूम। थोड़ा सा पावर कट हो गया था, उसके वजह से प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, प्लीज कमेंट कमेंट बताइए इधर, कमेंट रेड पर मतलब। जस्ट वेट गाइस, पावर कट होने की वजह से प्लीज काइंडली कमेंट इज विजिबल नाउ। जहां तक हमारा हुआ था, बैटर हमारा रेडी हो चुका था। ओके ओके नाउ या ओके, थैंक यू, यस यस, थैंक यू सो मच। नाउ तो यहाँ पे देखिए, हमारा ये जो दूध है वो भी हमारा गाढ़ा हो चुका है। अभी अगर मैं देखूं, आपको अगर मैं बैटर दिखाऊं, तो अभी हमारा ये जो बैटर है वो कुछ इस तरीके से है। तो ऐसा बैटर नहीं चलेगा, हमें अभी दूध की रिक्वायरमेंट है। तो अभी हम लोग कौन सा दूध डालेंगे, ये जो हम लोग अभी बना रहे वो यहाँ पे हम लोग दूध ऐड करेंगे। तो कितना ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे, जब तक हमें एकदम बढ़िया से फ्लोटिंग कंसिस्टेंसी नहीं मिल जाती। ठीक है, मेजरमेंट दूध का इसलिए नहीं बता रही हूँ, आप अंदाजे आप हाँ परफेक्ट इसलिए नहीं, क्योंकि हर इसका मैदा कंपनी का आप जो भी यूज करते हो वो अलग रहेगा, उसकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी जो है हर मैदे की वो भी अलग होती है। नाउ जस्ट लुक एट द कंसिस्टेंसी, अभी आप कंसिस्टेंसी देखिए, पहले से अच्छी हो गई है, मगर फ्लोटिंग नहीं है जितनी हमें केक के लिए चाहिए। तो अगर मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ दूध, तो इस तरीके से आपको नियरली आधा कप तक दूध ऐड करना है। तो ये मेरा आधा कप हो चुका है और मुझे जो कंसिस्टेंसी चाहिए वो एकदम बढ़िया से यहाँ पे बनके रेडी है। जस्ट टू लुक एट द कंसिस्टेंसी, ये इतनी ऐसी कंसिस्टेंसी मुझे लगेगी मेरे केक बैटर के लिए। क्लियर यहाँ तक, ये जो केक बैटर हमारा बनने वाला है उसके लिए कंसिस्टेंसी इतनी लगेगी जिसमें मैंने आधा कप दूध ऐड किया है, ये वाला जो हम लोगों ने बनाया है। दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे बताना है कि जरूरी नहीं आपको आधा कप ही दूध लगेगा, हर कंपनी का मैदा अलग होता है, उसकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी अलग होती है। कर्ड जो आप यूज करते हो, किसी का कर्ड थोड़ा सा वाटरी वाला रहेगा, किसी का कर्ड थोड़ा सा ठीक रहेगा, उसके हिसाब से भी थोड़ा सा कम ज्यादा कंसिस्टेंसी में दूध आपका लग सकता है। तो मेक श्योर कि आप थोड़ा थोड़ा दूध ऐड कीजिए और एंड में जो हमें चाहिए ये कंसिस्टेंसी एंड में हमारी ऐसी रहनी चाहिए। ओके, सो ये बैटर तो हमारा रेडी हो चुका है। नाउ आप कोई भी एक टीन ले लीजिए, या फिर अगर आपके घर पे आप कुकर में भी एक कढ़ाई में बना सकते हो, जो डब्बा होता है कुकर का स्टील का वो भी चलेगा, कोई बेकिंग ट्रे है तो वो भी चलेगा। ठीक है, इसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है और ये बैटर जाएगा इसके अंदर, आप बटर पेपर भी लगा सकते हैं। नाउ दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर आप इसे ओवन या फिर ओटीजी में बेक कर रहे हो, ओवन में अगर आप बेक कर रहे हो 170 डिग्री पे आपको रखना है। ओटीजी में अगर आप बेक कर रहे हो 170 डिग्री, बोथ कॉइल और सेंटर रैक पे आपको इस केक को रखना है। ठीक है,
अगर आप ओवन में बेक कर रहे हो तो कन्वेक्शन मोड पे आपको ये प्रोसीजर करनी है 170 डिग्री या फिर 180 डिग्री फॉर 25 मिनट्स तक आपका ये केक आराम से बेक हो जाएगा। इस तरीके से मैं इसे टैपिंग करूंगी, ठीक है, ताकि कोई भी एयर बबल से तो वो निकल जाएंगे। नेक्स्ट, ये केक आप गैस पे बेक कर सकते हो, यस, बड़ी आसानी से। जरूरी नहीं आपके घर पे ओवन या फिर ओटीजी ही हो। अगर आपको गैस पे बेक करना है तो आप कैसे करोगे? कढ़ाई में चलेगा, कुकर में भी चलेगा, दोनों ऑप्शन परफेक्ट रहेंगे। कढ़ाई में अगर ऐसी कढ़ाई है तो कैसे करना है, ऐसे कोई भी आप कढ़ाई ले लीजिए, नीचे नमक डालिए, ठीक है, एक कोई भी ऐसी छोटी सी कटोरी स्टील की उल्टी रख दीजिए या फिर कोई भी स्टैंड, ठीक है, उसको रख के कढ़ाई के ऊपर ढक्कन लगा के उस खाली कढ़ाई को पहले 10 मिनट गर्म कीजिए। कुकर में भी सेम प्रोसीजर करनी है, नीचे नमक डाल के ऊपर कोई कटोरी या फिर स्टैंड रहेगा और कुकर की सिर्फ सीटी निकाल लेनी है, बाकी एज इट इज रहेगा, एक्सेसरीज जो रहेगा, रिंग निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ सीटी निकालनी है। खाली कढ़ाई को या फिर कुकर को 10 मिनट गर्म कीजिए, उसके बाद ये बर्तन उसमें रख दीजिए और फिर ढक्कन लगा लीजिए। 30-35 मिनट में आपका ये केक बेक होके रेडी हो जाएगा, क्लियर? अभी देखिए, इसको बेक होने में 30 मिनट लगेंगे, इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपके लिए ये केक बेक करके रखा है। ये मेरे ओवन सेफ वेसल है जिसमें मैंने ये केक बना के रखा है। इसमें इसका परफेक्ट गाइस, दिखने में भी बहुत अच्छा दिखता है, ठीक है। तो इस केक को बेक करने के लिए मुझे टोटल 27 मिनट लगे। 27 मिनट में मैंने ओवन को मेरे बंद कर दिया था। इसको भी मैं बंद कर देती हूँ तब तक, ठीक है। ये भी हमारा हो चुका है। 3 कप दूध को गाढ़ा होने तक अच्छे से आपको करना है। उसमें से मैंने थोड़ा सा दूध बैटर बनाने के लिए रखा, इसको मैं साइड में कर देती हूँ। काफी अच्छे से हमारा ये दूध मिला है और इसे मैं साइड में रख देती हूँ। नाउ इसको मैं दूध को इस बाउल में निकाल लेती हूँ, क्योंकि कढ़ाई हमारी गर्म है तो हाथ लग सकता है। ओके, सो नाउ ये मेरा केक, ये हमारा मलाई दूध और ये हमारा थोड़ा सा पिस्ताचियो यहाँ पे है। ओके, नाउ अभी आपको क्या करना है, कोई भी फोर्क ले लीजिए, केक को ठंडा होने देना है। एकदम गरम गरम टाइम पे ये वाली प्रोसीजर आपको नहीं करनी है। केक हल्का अच्छे से ठंडा होना है, कंपलसरी है होना, ठीक है, क्योंकि एक चीज आपकी गरम रहती है, दोनों चीजें आपको गरम नहीं लेनी है। मेक श्योर कि आपका केक अच्छे से ठंडा हो, ठीक है। हर जगह मैंने पोक कर लिया है चम्मच से, चाकू से, और अभी ये जो दूध है, ठीक है, ये हम लोग थोड़ा थोड़ा इसके इसमें पोर करेंगे, ठीक है। जितना मैक्सिमम आपका दूध सोक होगा उतना आपका केक मॉइस्ट होगा, और इसको बना के इसे डाल के आप आधा घंटा फ्रीज में छोड़ दीजिए। ये जो दूध है वो केक पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करेगा और उसके बाद आप ठंडा ठंडा इस केक को सर्व कीजिए तो आपका ये मलाई केक बनके एकदम रेडी हो जाएगा। Isn't it lovely guys? है ना एकदम सिंपल रेसिपी, इतना बचा है ना, पूरा हमें यूज करना है और धीरे धीरे ये जैसे थोड़ा सा टाइम होगा एकदम नहीं जाएगा, धीरे बाद आप कुछ टाइम बाद देखोगे ना तो ऑटोमेटिकली वो सारा दूध नीचे की ओर पूरा केक का जो स्पॉन्ज है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसके वजह से अंदर से आपका केक मॉइस्ट होगा, खाने में बहुत टेस्टी लगेगा, ठीक है। इस तरीके से देखिए मैं डाल रही हूँ फिर भी वो अंदर जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको इस दूध को इसके साथ मिक्स करना है, ओके, और हाफ आवर तक, एटलीस्ट आधा घंटा, जितना टाइम है आप रख सकते हो, एक डेढ़ घंटा भी फ्रिज में, एटलीस्ट कम से कम आधा घंटा आपको इसको ऐसे ही छोड़ देना है। नाउ ऊपर से मैं गार्निशिंग के लिए पिस्ताचियो यूज करूंगी,
ठीक है, थोड़े से पिस्ता के स्लाइसेस है मेरे पास जो कि मैं यहाँ पे गार्निशिंग कर रही हूँ। जिसमें थोड़े से केसर के थ्रेड से इस तरीके से आपका ये मलाई केक यहाँ पे बनके एकदम रेडी है। ये देखिए, ये दूध अभी आपको नजर आ रहा है, जैसे ही आप ये सेटल होने के लिए, ठंडा होने के लिए फ्रीज में आधा घंटा जैसे ही आप छोड़ दोगे, सारा दूध आपका जो केक है वो एब्जॉर्ब कर लेगा और आपको ऊपर बिल्कुल हल्का मलाई का जो लेयर है, व्हाइटिश लेयर दिखेगा। एंड नाउ आफ्टर हाफ आवर यू कैन एंजॉय दिस मलाई केक। एकदम सिंपल होममेड इंग्रेडिएंट्स से जो हमारे घर पे काफी आसानी से अवेलेबल है, विद अमूल इंग्रेडिएंट अमेजिंग मलाई केक की रेसिपी बन के रेडी हो जाती है घर पे ही। और एज अ डेजर्ट करके आप ये आपके गेस्ट को, आपके फैमिली मेंबर को जरूर खिलाइए, क्योंकि ये केक की रेसिपी बहुत अमेजिंग बनती है, खाने में भी बहुत अच्छी लगेगी आपको। वन ट्राई जरूर दीजिए। जब भी आप ट्राई करोगे ये रेसिपी, टैग अमूल और ऑल्सो बेक माय डे कुकिंग स्टूडियो, मेरा फेसबुक पेज है, आई एम अ यूट्यूबर विथ अ सेम नेम एंड आई एम फ्रॉम नागपुर। एंड वंस अगेन थैंक यू अमूल एंड हिज टीम फॉर दिस स्पेशल इवेंट जो कि आप ये लाइव ले रहे हो और बाकी सबको एनकरेज कर रहे हो, साथ में ही बाकी सबको भी काफी नई नई रेसिपी सीखने के लिए मिलती है। इसके पहले भी अगर आपने इनके लाइव देखे हैं, काफी नई नई रेसिपी है एंड दे आर गिविंग चांस टू शोकेस अवर टैलेंट ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सो थैंक्स अमूल एंड हिज टीम फॉर दिस कोऑपरेशन एंड फॉर दिस चांस। नाउ मैं आपको एक स्लाइस यहाँ पे कट करके दिखाती हूँ, ठीक है। देखिए जैसे जैसे ये सेट होगा यहाँ पे आपको ये केक की लेयर्स दिखने लगेगी। ये देखिए यहाँ पे अगर आपको नजर आ रहा है तो आपको यहाँ पे केक का स्पॉन्ज दिखने लगा है। नाउ एकदम सॉफ्ट रहेगा तो आराम से उठाइएगा। आपको सर्विंग के लिए अगर आपका थोड़ा सा दूध बचा है तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा दूध और डाल सकते हैं। और मैं आपको एक एक स्लाइस यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, जस्ट हैव अ लुक, ठीक है। ये जो बना है एकदम मॉइस्ट है अंदर से, ओके। ये देखिए मैं एक एक कट, ये देखिए कितना मॉइस्ट है, काफी आसानी से ये कट हो रहा है, ये देखिए, और कितना सॉफ्ट बना है एकदम। हर एक बाइट अगर आपको यहाँ पे नजर आ रही है, दूध काफी अच्छे से, और अगर थोड़ा सा उसमें रहा टाइम में तो हर एक इसमें आपका वो दूध जाता है, ठीक है। सो दिस वे मलाई केक बहुत अमेजिंग लगेगा, मस्ट ट्राई एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग दिस वीडियो गाइस एंड वंस अगेन थैंक्स टू ऑल जो लोग ज्वाइन हुए हैं इस लाइव वीडियो के लिए। एंड लास्टली वंस अगेन आई एम थैंक यू अमूल एंड हिज टीम फॉर दिस चांस, थैंक यू सो मच एंड टिल देन एंजॉय दिस मलाई केक एंड लेट मी नो इन अ कमेंट कि आपको ये लाइव कैसे लगा, ये मलाई केक की रेसिपी आपको कैसे लगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसके इंग्रेडिएंट्स पिन कर दूंगी, सो दैट इट विल इजी टू फाइंड आउट दैट रेसिपी एंड मेक इट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।